जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। महारानी महारानी राजकन्या को कहंतु ना मते थरटिए से गां को नै जिबा पई थरटिए आपण एमिति कांदु छथि काई कि मु तो किछि भी बुझि पारुनी। साधु बाबा कोण होंती आपणकर? मु होउछि तांकरि पुत्र राजकन्या। तुम्हें जो साधु बाबा को कथा कहुच सी ही मोर पिता सेनापति वीर प्रताप। सी थिले महाराज कर विश्वस्त अनुचर एवं परम मित्र आ सेथि पै एई शास्ति से एते वर्ष धरी भोग करी चली जानती आत्म गोपन करी लुचि लुचि बुलु चंती सी आज सीए बंची थाउ थाउ मोरा घोब को अनाथ पिलांग परी बड़ा बाकु पड़ी छ। आउ प्रधान सेनापति को पत्नी हेला परे भी मो मां को सज्ज करबा को पड़ु छ दुख कष्ट आउ जंत्रणा। एथरो धीरे धीरे मो सब कथा बुझी पारु छ। साधु बाबा कहिथिबा कथा गुडा कर अर्थ सीए मते टिकी निकी करी प्रस्तुत करी छंदी सेई नकली राजा आउ बड़ राणी मणि मल्लिकांगो विरुद्ध रे लड़िबा पाई शरीर चर्चा अस्त्र चयना युद्ध कौशल ए सब किछ त मु तांकरी पाखरु सिखी छी। राजकन्या राजकन्या हाथ जोड़ी छी तमको तमे तमे थरटी मत तक पग को नहीं चला धैर्य धरि पारुनी नहीं चला मत थरटी पायल नहीं जा अप अरुंधति को नहीं जा थरे देखा करि आसंतु सेनापति महाशय को सहित। किंतु मु भाबुथिरि अन्य कथा मा को कथा साधु बाबा फेरी आसिले आमर लड़े करबा को सुविधा हबो सीए मते आ सेनापति महाशय को बुद्धि जोगे पारिबे मु भाबुची साधु बाबा को गोटे खबर पठेबी मा मुक्त हेई चंदी जानी परिले से बहुत खुशी हेबे। किंतु तांको खबर पठेबो तो केमिति? किंतु पायल जीरोनी गां तो बहुत दूर रे तमे बा मु नगले से गां को चिन्हिबो किए? बहुत दिन हेई गला मो पक्षीराज बंधुर देखा नाही मु एई दायित्व ताकु ही दबा को चाहे परी धड़ा पक्षी राज आसना फेरी देखा तम तेज डाकी पठेई पायल सखी तम परी गोटे बंधु देखी आकाश रे उड़ी आसना चली तम को जीबा को हब दूर को बुली नागराजंक पातालपुरीरु जिए राणी पद्मावतीको उद्धार करि नै आसीछि तार शक्ति असीम ताहेले को आमर पराजय सुनिश्चित आमो शत्रु को परास्त करिवर कोन कोनसी उपाय नै माता आपातत नै सुण सुरेन्द्र सेई असीम शक्तिशाली शत्रु सांगरे लडै करबा को हेले तम मानंकु भी तापरि शक्तिशाली हबाकु पडिब प्रबल क्षमतार अधिकारी हबाकु पडिब। माता आपण बाट देखंतु को उपाय रे से क्षमतार अधिकारी हबो आमे से कार्य एते सहज नहि सुरेंद्र बहुत कष्ट सज्ज करबाकु पडिब
बहुत साधना करिबाकु हबो। आपण जहा कहिबे जेमिति कहिबे ठीक सेमिति हबो। मु कोनसी मते सिंहासन हरेबाकु चाहुनी। कुहंतु मते कोन करिबाकु हबो कुहंतु। प्रथमे मणि मल्लिकांकु जागृत करिबाकु पडिबो। तांकरि भितरे लुचि रहिछि सेइ शक्ति। मणि मल्लिकांको भितरे अछि सेइ शक्ति। हां। किंतु से कथा से भूली जाइछन्ति। मणि मल्लिकांकु सेइ शक्ति विषयरे मने पकेइ दबाकु हबो। किंतु माता तांको क्रोध शांत न होले तो मु तांको पाखकु जाई पारिबिनी। आपण जेमिति बि होउ तांको क्रोध कमैबार गोटे व्यवस्था करि दियंतु। तांकर जदि क्रोध शांत न हुए आमर समस्त प्रचेष्टा पूरा पंड होइजब। एते चिंता तमे करनी सुरेंद्र। मणि मल्लिकांकु शांत करिबार दायित्व मु ग्रहण कली। चलंतु माता चलंतु। कुहो पायल डाकिलो काई की तमको थारे आमरे से जिरोनी गां को जिबा को हबरे पखिराज। जिरोनी गां को कोन काम अछि? सेठी जणे साधु बाबा अछंती पडिया मझिरे थिबा गोटे कुटीर रे। से साधु बाबा को तमको एठी कि नै आसीबा को हबो। मोरे कामटा करि दियो ना पखिराज। तुमे जते बेले कहउछो काम तो निश्चय करबी मु। किंतु साधु बाबा तो मते चिन्ही नहती। सीए मो सह आसीबा को राजी हेबे केमिति आ मो भाषा बुझिबे बा केमिति? सतरे तो ए कथाटा तो मु भाबी नथिली। ताहले आउ कोन उपाय अछि एबे? सेनापति महाशय जदि आसीबा को राजी न होंती कोन उपाय अछि एबे? राजकन्या पिता बुझिबे केमिति जे पक्षीराज कोन कहिबा को चाहौचंती आ तांको पठेई छि के? गोटे उपाय अछि। कि उपाय? आपण गोटे काम करंतु अल्प किछि चंदन घोरी आनंतु। चंदन? हां मु साधु बाबांको संकेत पठेबा को चाहौ। संकेत? जानतु शीघ्र जानतु। कौन संकेत राजकन्या? एपरी संकेत जहां देखिले साधु बाबा आउ विलंब करि पारिबेनि। से बुझि पारिबे किए पठेइछि पक्षीराज। एहि निय राजकन्या चंदना। चिंता नहीं एथरे चिन्ह देखिले साधु बाबा ठीक बुझि पारिबे जे मु पठेई छि पक्षीराज को तांको नै आसीबा पाए। पायल ठीक कथा कहुचि। एई संकेत सेनापति महाशय को चिन्हिबा को आदो भूल हबनि। पखिराज उड़ी जाओ जिरोनी गाँ को। गाँ शेष पड़िया सेपटे जो पुराणा भंगारुजा कुटीरटे देखिबो सेठी पहुँचे डाक पकेब आउ ए चंदनर चिन्हटा देखेब। बास ताहले साधु बाबा सब कथा बुझी पारिबे। जाओ नहीं आस साधु बाबा को।
Z5 पर पूरे एपिसोड्स देखें बिल्कुल फ्री। अभी ऐप डाउनलोड करें।